पूरे टाइम इनके साथ रहे हैं ऐसे। सबको तो ये चीज नहीं पसंद आएगी बट यार हमें तो बहुत। यार ये है लोकेशन रास्ता कैफे, फिर से दिखा रहा हूँ आपको क्योंकि यार सच बताऊँ मन नहीं कर रहा इस जगह को छोड़ने का। बैठ के बिल्कुल ऐसे आराम, ये पकड़। डंडी से नहीं होगा। अभी इधर में फंस जाएगा। आखिरी था, अब नहीं गिरेगा कभी। पूरे टाइम इनके साथ रहे हैं ऐसे। सबको तो ये चीज नहीं पसंद आएगी बट यार हमें तो बहुत पसंद आता है, हम तो बड़ा खेले इनके साथ। दो और हैं बाहर, दो नहीं पता नहीं एक है शायद, तीन, छह हैं टोटल। तीन है। ये देखो ये वाला सबसे ज्यादा शैतान है, ब्लैक एंड व्हाइट वाला ना। देखो इसकी शक्ल दिखाता हूँ आपको चोर से की। इधर आओ, चोर से शक्ल दिखा दूँ। देख यहाँ देखिए, चलो बहुत खेल यार इनके साथ भाई लोग। सो यार फिलहाल टाइम आ चुका है यहाँ से चेकआउट करने का, सामान मान हमने पैक कर लिया है और चाय बन रही है अभी हमारी ना इनके किचन में। ये रखे हमारे बैग्स फुल पैक्ड हैं, बंदे भी पूरी तरह पैक हैं, चाय का वेट कर रहे हैं। वो देखो सामने खुजलीबाज। तो पूरा टाइम इनके साथ खेल के निकला है हमारा, अभी मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ के जो करता धरता है। एक गायत्री मैम है और एक स्पर्श भाई है अपने, और एक एक बंदे और हैं वही चलाते हैं रास्ता कैफे ना। बहुत अच्छा सेटअप बना रखा है यार, बहुत प्यारा सेटअप है। तो देखो स्पर्श भाई है मेरे साथ Hello. जो मैं बता रहा था, और ये है गायत्री मैम, ये यहाँ पे करता धरता है, और एक उनका नाम क्या भाई का? वो मेरा भाई है छोटा, सुफल। अच्छा सुफल। सो ये तीनों यहाँ की देखरेख करते हैं यार, बहुत अच्छा सेटअप है। और सबसे अच्छी बात खाना इतना अच्छा है ना, मैंने आज तक कसौल में पूरे हिमाचल में यहाँ पे जब भी आया ना इतना टेस्टी खाना नहीं खाया। बाकी इनसे पूछते हैं कि ये सेटअप इन्होंने कैसे तैयार किया, इनको कैसा लगता है यहाँ पे रहते हुए? कैसा लगता है यार? बहुत ठंड लगती है, बहुत ठंड लगती है, बहुत ठंड लगती है। रोज गालियां देते हैं एक दूसरे को, पर रात को बस यही लगता है कि तंदूर जल जाए और सुबह धूप आ जाए। दैट्स इट यार, लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। सुबह जैसी धूप आती है सारी प्रॉब्लम्स खत्म, हम बस वेट करते हैं कि कब धूप आएगी। और कुछ नहीं चाहिए यार, सारी प्रॉब्लम्स छोटी होती है। हाँ तो इन्होंने बस प्रॉब्लम्स बताई है। मैं एक चीज बता देता हूँ, ये लाइफ जो है ना ये हमारी टेंशन से थोड़ा सा फ्री है, बहुत फ्री है। ये वाली जिंदगी देखो हर किसी को नहीं मिलती, इसको कमाना पड़ता है, बहुत मुश्किल है कमाना, बहुत मेहनत लगती है यार। हम सोच भी नहीं सकते उतनी मेहनत लगती है, क्योंकि हमने इनको मेहनत करते हुए देखा यार। और ये दोनों ना हम ठंड में ना लिटरली कांप रहे थे गंदी तरह, ये दोनों इनके मैम के बाजू ऊपर चढ़े हुए थे, और ये भाई हमारे लकड़ियां काट रहे थे रात को, मतलब इतना मुश्किल था सर्वाइव करना, लेकिन ये काम में लगे पड़े थे बिंदास, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी शिकायत के। फिर इनको देख के थोड़ी सी हिम्मत हमारी बढ़ी, लेकिन हमारा स्टे बहुत इंजॉय वाला था, मजे करे फुल, रूम में बहुत एंजॉय करें। तो चलो अब ना निकलते हैं यहाँ से, नीचे आगे चलते हैं मणिकरण, वहां पे आपसे मिलेंगे। चलो देखो यार अब चल रहे हैं यहाँ से। नहीं क्या हो गया, ये देखो यहाँ से नीचे है पार्वती नदी, जैसा कि बताया था पीछे रास्ता खीर गंगा की तरफ जा रहा है, इसी रास्ते में आता है रास्ता कैफे। कैफे बहुत जबरदस्त है यार, थोड़ा दुख सा हो रहा था छोड़ते टाइम, मजा बहुत आया वहाँ पे, स्टे बहुत अच्छा था हमारा। वैसे तो बर्फ जमी हुई है पूरी, ऐसा लग रहा है इस ग्लेशियर पे चल रहे हैं बिल्कुल। यार कैमरा कर लिया ऑन, रास्ता है कुछ ऐसा पूरा स्लिपरी। ऐसे में बच्चा ऐसे देख, ऐसे ऐसे जैसे ऐसे ऐसे में जा, ठीक है? तूने तो ग्लव्स क्यों नहीं पहने तूने हाथ? ओ भाई मेरे तो हाथ जम गए यार, तूने गलती कर दी, हाथ में ग्लव्स नहीं पहने भाई, तभी तेरे से कहा था ग्लव्स पहन ले, तभी तो बच रहे हाथ हमारे, मेरे तेरे से हाथ में मैं कर रहा हूँ। मैं तो देख हाथ जाओ ग्लव्स पहन भाई, चल ग्लव्स पहन, ग्लव्स किस चीज़ के? अब ग्लव्स नहीं पहन रहेगा तूने, कह रहे जम गए हाथ मेरे, ग्लव्स इसमें है ही नहीं यार मेरे, पीछे होंगे। फुल फुल फन। ओ भाई मेरे हाथ, ओ भाई आ यार हाथ जम गए बहुत गंदे, शिट। जैसे नीचे उतर के ना मैं बैग से ग्लव्स निकाली भाई, आ दो मिनट रुक जा रहा, बहुत गंदे जम गए। ये हम आई थिंक पहुंच गए नेपाली मार्केट कालका विलेज की। भाई जी नेपाली मार्केट यही है? ओके सो यार ऊपर आके कालका विलेज में ना नेपाली मार्केट है, यही वो मार्केट है, अभी तक तो सुना ही था, अब देख भी रहे हैं इसी के बीच में से ही जा रहे हैं। ऐसे कुछ शॉप्स हैं। सो ऊपर आने के बावजूद भी आपको गर्म कपड़े, शूज वगैरह या कुछ भी खाने पीने का सामान चाहिए तो सब मिल जाएगा। सो यहाँ यार हमने ना जूतों पे पहन लिए जुराबे, थोड़ा सा ग्रिप बनाने के लिए, रास्ता नीचे बहुत स्लिपरी है सुनने में तो ऐसा है। अबे वो बंदा कह रहा था हमारे से चलो ऊपर से, वो भी जा रहा था नीचे, जो जो हम मिला था ना अभी वो भी जा रहा था। हाँ तो खैर स्नो नहीं है इस वाले रास्ते पे, अभी फिलहाल तो चल रहे हैं आराम आराम से,
आगे थोड़ा है अच्छी खासी स्नो, थोड़ा हेल्प तो मिल रही है सॉक्स पहन के ना शूज। तुम तो चलो, तुम चलते रहो चलते रहो चलते रहो आराम आराम से। डंडी से नहीं होगा, पैर टिक भी तो नहीं रहा साले। तो जैसे मैं कर रहा था ऐसे कर ले, एक पैर आगे एक पैर पीछे, मेरी तरह चल रहा है बहुत ही गलत। थोड़ा आगे, हाँ उसे आगे रखा, अब तो ऊपर रख आराम से, एक पैर रख, एक पैर पीछे रख, हाँ पता अब बीच में पांव रखने से डर रहा हूं मैं थोड़ा, आराम से बताइए। पूरा वाले इस पे दे, इस तरफ रह, इस तरफ झुक के रह। कम ऑन बॉय, अब नहीं है इतना ही है बस। थैंक गॉड यार, फिलहाल चलो आगे जैसे तैसे, नीचे मेरी तो हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी ब्लैक आइज देख के ना, कि ब्लैक आइज में फर्स्ट टाइम है यार। गौरव भाई लिटरली मेरा तो हो गया था यार, नहीं नहीं मैं मेरे अंदर आ गया था भाई, डर सच में आ गया था। पर सॉक्स फिर भी बहुत हेल्प कर रहे हैं भाई, प्रखर डंडी ले ले यार, गुस्साई देख रहे तेरे भी जूते चल रहे हैं भाई सॉक्स के साथ। आधा तो आ गए, चल भाई, बट सीरियसली गंबूट्स ना बहुत काम है। अभी ये तो इधर से कहीं से आ रहे थे, हैं गौरव बंद हो गया बर्फ में चिपक रहे हैं उससे ना गिरी बहुत ज्यादा बनती है। साला नाक नहीं रुक रही तो नीचे तक नहीं गया, इस टाइम पे इस बारे में बात मत करो। नीचे उतर के कर लेना जितनी मर्जी। ले बंदों के बंदों में डर डालते कि पहले ही ताले। तो गैप है इनमें पैर रखिए, हां चल चल थोड़ा मिट्टी वाली साइड रख पाऊं, ना ना इसमें रखिए जो गैप है वही तो है। कहते हैं ये फटे तो फटे स्टैंडर्ड ना घटे। अरे भाई यार थोड़ा पत्थरों के उस पे बेस बना के रखियो भाई, चल ठीक है फिर क्यों नहीं ऊपर से लगे इनको आ रहे हैं।
आराम से भाई, एक डेढ़ किलोमीटर खीरंगा कितना किलोमीटर है? खीरंगा यहाँ से है भाई तेरा 12-12.5 12-13 किलोमीटर है भाई। आ जाओ बस, आ जाओ आप, आ जाओ हाँ ऊपर से ही जा रहे हैं वो, अलग है हो गया दोनों, दोनों जा रहे हैं खीरगंगा ये ऊपर, हाँ इधर से भी खीरगंगा है, दोनों रास्ते मिल रहे हैं। चलो चलो भाई सपोर्ट है भाई, उधर मत रखो, इधर रखो, इधर उधर रखोगे तो गिरोगे आप। आराम से आराम से आराम से आराम से चलो चलो, जहाँ खड़ा हुआ ना व्हाइट दिख रहा है वहाँ पे पाँव रखना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। चले जाओगे, चले जाओगे, सोचो मत, थोड़ा स्लीपी है बस ध्यान रखना, सोचो मत, मेरे साथ भी यही हो रहा था। मैं तो मर गया, ये सही बोला, बस ये सोचो चढ़ना है ऊपर, मेरे साथ भी हुआ था थोड़ा, पार कर लिया फिर भी, अरे हो जाएगा आराम से हो जाएगा। आप लोग आ जाओ नीचे, इधर इधर चल चल चल, हाँ जाओ आप इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ, यहाँ से है जगह, फिर मैं भी आता हूँ। हाँ हाँ यार कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू, कोई थोड़ा जहाँ उखड़ा हुआ ना वाइट वाइट वहाँ पे, वहीं पाँव रखना, पत्थर पैर रखो ऊपर बड़े वाले पत्थर, ओ खाना खाना डाल दे, ये थोड़ा वो था उस, आ जाओ भाई पहले जी, आ जाओ आंटी जी, आप बोलो यहाँ से आना, ट्रैक बना जाओ, ट्रैक पे चलो, इस पे चलोगे तो गिरोगे, फ्रेश पे चलो, अरे यहाँ से आना यार, ट्रैक बना दो भाई, चलो चलो ये ट्रैक है कहाँ भैया, कह रहे ट्रैक बना हुआ है, खड़े हो चलो ब्रो, स्लिप नहीं करोगे, फ्रेश नो है ये, खड़े हो जाओ, बॉडी का बैलेंस बनाओ, हाँ चलो आ जाओ, अरे नहीं गिरते ब्रो, मैंने बोला ना सॉक्स लगाओ, कैसे चलना था नहीं तो सॉक्स, तभी ये तभी चल रहे हैं ना सॉक्स के कारण, ये चलो किधर है फ्रेश पे, धीरे धीरे पाँव ना जमा के रखना, एक के पीछे एक, यहाँ पर ही रखना है उसके, फ्रेश अब राइट में चलियो करो पूरा किनारे पे भाई, भाई एडवेंचर भी है, फन भी है और स्कैरी भी है, ये ऐसा मारे को चल किनारे पे, अरे ले ये ले ठीक गौरव, कल देखी थी जगह कैसी थी? हलक मुंह में आ गया प्रगर, हलक मुंह में आ गया भाई, वो भाई आ गए नीचे आ रहे हैं, कल डर रहे थे नीचे कैसे, पता ऊपर क्या हुआ था, जो बिल्कुल शाइनिंग वाली ब्लैक आइस थी ना, मेरा पहला स्टेप मैंने उस पे रखा तो बिल्कुल भाई फिसल गया, वहीं से मेरा डर स्टार्ट हुआ। ओ भाई अभी चलो भाई गाड़ी जा रहा है, एक पल को सही में हो गया था, सॉक्स से तो गिर पाए तभी तो यहां तक पहुंचे, आखिरी था, अब नहीं गिरेगा कभी, लास्ट साफ नहीं होगा, अभी मेरा भी हो जाता भाई, बहुत चला दिया कैरियर, इतना चला दिया एक बार तो गया, हैंग नहीं रहा है, टॉप ने इतना चला दिया ना कैरी एक बार तो गया, अब वो बर्फ लग गई ना उसमें, हाँ वो सही भाई साहब जी, मनाली के आलू मजा।